अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को इन्जॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बालसम के जो प्लांट्स हैं उनके सीड किस तरह से कलेक्ट करने हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पहले आप देख लें कि एक शहद की मक्खी जो है, ये देखें, ये इसके अंदर से, ये देखें फ्रेंड्स, अब वो थोड़ा नीचे हो गई यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो सीड हैं वो कलेक्ट करना कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा जो है वो बालसम को अपने गार्डन के अंदर लगा लें तो फिर उसके बाद इसकी सीड जो हैं अगर आप कलेक्ट ना भी करें तो कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, और जब इनका सीज़न आता है तो फिर ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि जो सीड है वो गिरें और जब उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो तो शायद वो टाइम पे जो है उनकी वेदर जो है वो इस तरह का ना हो कि वो जर्मिनेट हों और फिर उसके बाद वो है वो सर्वाइव ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, उससे बेहतर है कि हमें खुद पता हो कि इसकी सीड किस तरह के होते हैं और उसको हम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ये प्लांट आप देख रहे हैं, मेरे इस पे दो कलर के फ्लावर आते हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर के और एक आप ये देखें ये वाइट कलर के। फ्रेंड्स, ये देखें, मैं यहाँ से, ये देखें, ये वाइट कलर के हैं। तो फ्रेंड्स, जो नए बिगिनर्स हैं जो गार्डनिंग पहले से करते हैं उनके लिए तो आसान है कि उनको पता होता है कि इसकी सीड किस तरह से है, लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए है जो अभी नई नई गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके सीड किस तरह से होते हैं। फ्रेंड्स, जब इसकी बर्ड्स होती हैं, वो आप देखें, ये इसकी बर्ड्स हैं, ये ऊपर से इसके फ्लावर आते रहेंगे और फ्लावर जब खिल जाता है उसके बाद जो है वो ये खिला हुआ फ्लावर है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब फ्लावर बंद हो जाता है तो वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारे के सारे सीड हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सीड हैं। मैं आपको यहाँ से, ये देखें, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे इसके सीड हैं। अभी ये ग्रीन हैं, अभी ये कच्चे हैं, इसके अंदर जो सीड होंगे मैंने एक जो है आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने तोड़ के चेक किया, इसके अंदर सीड हैं लेकिन वो बहुत कच्चे हैं। फ्रेंड्स, तो आपने सिर्फ इनका ख्याल रखना है कि ये इसके सीड हैं और इन सीड्स को आपने जब ये थोड़ा सा, ये वाला सीड पॉट जो है ये थोड़ा सा ग्रीन से थोड़ा येलो की तरफ जाए और फिर आपने ख्याल करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा टाइम इसके साथ लगे रहेंगे तो ये फट जाते हैं और इसके अंदर से सीड गिर जाते हैं। तो आपने इसे टाइम से कलेक्ट करना है, जब ये येलो हो जाएंगे तो फिर आप इसे कलेक्ट कर लें और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीड होते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाली इसमें भी आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, ये इसके, ये देखें, ये इसका सीड बोर्ड है, ये इसके अंदर इसके सीड बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम से अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसकी में ये आसानी होती है कि सीड ज़्यादा ज़ाया नहीं होते। आप इसे कलेक्ट कर लें जो होते हैं, आप छोटे 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 पैकेट होते हैं जिसके अंदर आगे से उसके वो जिप लॉक होता है, तो उस तरह के किसी भी पैकेट के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लें, देखें उनकी जो है वो उनको फंगस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, हल्की सी राख उसके अंदर डाल लें, क्योंकि फ्रेंड्स जब मौसम आएगा गर्मियों का तो अगर उसके अंदर हम राख वगैरह थोड़ा सा डाल लें तो वो उसमें फंगस वगैरह नहीं लगता, तो आप उसके अंदर इसको कलेक्ट कर लें। ये फ्रेंड्स, आपने चेक करना है कि वो सीड बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, अगर आप गीले रखेंगे तो उसमें फंगस का चांस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ थोड़ी सी मेरी आपके साथ बातचीत थी जो बालसम के मुतालिक थी। तो मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके यहाँ भी बालसम लगे हुए हैं तो आप उसको टाइम पे कलेक्ट कर लेंगे ताकि उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सीज़न में गर्मियों जब स्टार्ट हो फरवरी में तो आप आसानी के साथ इसके सीड घर में मौजूद हो तो आप उसे लगा सकें और इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स अपने गार्डन के अंदर पा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको अपने थोड़े से मॉर्निंग ग्लोरी के जो आज के फूल खिले हैं वो मैं थोड़े से आपके साथ शेयर करूँगी।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।